हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। आज नमिताज किचन में मैं आपके साथ मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज़ तो हम सभी बनाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इस तरह से लंबे साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। फ्रेंच फ्राइज़ का लुक अच्छा आता है और वो लंबे लंबे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से लंबे आलू मैंने ले लिए हैं और आलू को छील करके मैंने पानी में डिप करके रख दिया है, जिससे कि ये काले ना पड़ जाएं। 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आप कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ बेसन में भी इसे बना सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ड्राई मैंगो यानी कि आमचूर पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने देगी मिर्च पाउडर ले लिया है, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती है और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से फ्रेंच फ्राइज का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ले लिया है। तो चलिए मसाला फ्रेंच फ्राई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आलू को काट करके तैयार कर लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। तो आलू को या तो हम नाइफ से काट सकते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज़ कटर मिलता है उससे भी हम आलू काट सकते हैं। तो मैं आपको नाइफ से कट करना बता देती हूँ। इस तरह से आलू के लंबे लंबे पीसेस कर लीजिए। आपका उसके बाद इसके जो साइड्स होते हैं उसको इस तरह से कट कर लीजिए, जिससे फ्रेंच फ्राइज जो है वो इक्वल शेप के आएंगे। पतले पतले स्लाइसेस में आप उसको कट कर सकते हैं। तो इससे सारे फ्रेंच फ्राइज की जो शेप है वो इक्वल आएगी। फ्रेंच फ्राइज कट करके रेडी हो गए हैं। अब इन फ्रेंच फ्राइज को तुरंत आप पानी के अंदर डाल दीजिए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो पहले जो मैंने फ्रेंच फ्राइज काटे थे वो भी मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं। तो ये मैंने 3 पोटैटोज के फ्रेंच फ्राइज काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्रेश वाटर से 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे इनका स्टार्च निकल जाए और उसके बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। अब इन फ्रेंच फ्राइज को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से फ्रेश वाटर से वॉश कर लिया है और इसकी पूरी स्टार्च जो थी वो अच्छे से निकल चुकी है। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे और अच्छे से इन फ्राइज को इसके ऊपर फैला देंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके पानी को अच्छे से इस तरह से सुखा लीजिए, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। उसके बाद हम इसके ऊपर मसाले लगाएंगे तो इस पर आसानी से मसाले लग जाएंगे। हम इसको 5 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देते हैं, जिससे इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो जब तक हमारे फ्रेंच फ्राइज ड्राई होकर के तैयार होते हैं तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया है। तो ये मेरे फ्रेंच फ्राइज जो हैं बिल्कुल सूख करके तैयार हो गए हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारा एक्स्ट्रा पानी इसका सूख चुका है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें बेसन डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर, अब सबसे पहले इसमें सॉल्ट डाल देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैं भी डाल रही हूँ इसमें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हम ड्राई मैंगो पाउडर डाल देंगे यानी कि आमचूर पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम सारे मसालों को हाथ से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने हाथ से ही मिक्स करना है क्योंकि स्पून से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा डाल देते हैं, जिससे ये मसाले और अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे, मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए।
मसाला अच्छे से इसके ऊपर लग जाएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे लगेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं इसको, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस को थोड़ा सा कम ही रखिएगा। सारे मसाले हमने अच्छे से आपस में मिक्स कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इस पर कटी हुई धनिया पत्ती डाल देते हैं। आप चाहें तो ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं इसलिए हम इसमें धनिया पत्ती डाल रहे हैं। तो इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे धनिया पत्ती भी इस पर अच्छे से लग जाए। तो अब ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इनको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छे से गर्म हो चुका है, एक फ्रेंच फ्राई डालकर इसमें देख लीजिए इस तरह से ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ऑयल हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे फ्रेंच फ्राइज डाल देते हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे गैस को। इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको हम ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब ये फ्रेंच फ्राइज हाफ फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से हाफ फ्राई होने के बाद इनको बाहर निकाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे और उसके बाद हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। इस तरह से प्रोसेस करने पर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। तो मैं बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी पहले हाफ फ्राई रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम इनको फिर से फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है और 5 मिनट के लिए मैंने इन फ्रेंच फ्राइज को बाहर निकाल लिया था, तो अब मैं इनको दोबारा से फ्राई कर लेती हूँ। दोबारा से इनको गर्म तेल में डाल दीजिए और इस बार इनको हाई फ्लेम पर आप 2 मिनट तक इनको। तो अब ये फ्रेंच फ्राइज बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर रेडी हुए हैं। ये नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज तो हम खाते ही रहते हैं, तो इस तरह से मसाला फ्रेंच फ्राइज बनाकर खाइए, इससे आपका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी और कुरकुरे मसाला फ्रेंच फ्राइज हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये मसाला फ्रेंच फ्राइज हमारे बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल दीजिए तो खाने का टेस्ट इसका दुगना हो जाता है, और साथ में अगर टमाटो सॉस हो तो क्या कहने। तो अपने बच्चों को ये फ्रेंच फ्राइज दीजिए, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। आप इनको इवनिंग स्नैक्स के तौर पर उनको सर्व कर सकते हैं और या फिर उनके लंच बॉक्स में इन्हें सर्व करके उनको सरप्राइज भी दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिएगा। मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।